Hello everyone. So today we have the Pratik Adhikari with us, who have recently got the offer from Intel. So hi Pratik, how are you? हेलो रजत। So we will start from education background. So आपने बीटेक कहाँ से किया हुआ है, एमटेक कहाँ से किया हुआ है, एंड वेयर यू आर वर्किंग राइट? ओके, आई डिड माय बीटेक फ्रॉम सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आल्सो आई हैड माइनर स्पेशलाइजेशन इन बीएलएसआई एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दैट थिंग गेव मी सम आइडिया अबाउट बीएलएसआई इंडस्ट्री इन माय बीटेक डेज। And as soon as in my final year, I started preparing for GATE, and then I continued the preparation until I scored decent enough to join NIT Durgapur for my master's. And from there on, I did my preparations and I landed up here in Intel as a DV intern. ग्रेट ग्रेट. तो मणिपाल की बात करते हैं बीटेक की. तो एडमिशन लाइक मणिपाल के कैंपस कौन सा था आपका, जयपुर वाला कौन सा? नो, इट वाज इन सिक्किम माजीतार। तो कॉलेज लाइफ कैसे थी बीटेक की, मणिपाल की? कॉलेज लाइफ, वेल यू सी इन आवर बैच वी वर अर्ली स्ट्रक विथ कोविड एंड देन थिंग्स वेर नॉट दैट प्रीटी मच गुड फॉर अस। एटलीस्ट आई डिडंट हैड द आइडिया क्या कैरियर परसू करना है और व्हाट आई शुड डू। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन माय फ्रेंड टोल्ड मी सजेस्टेड मी दैट वी शुड प्रिपेयर फॉर गेट, एटलीस्ट वी कैन एंड अप इन पीएसयूज। So after that motivation from my friend and all, I started also preparing, online preparation ही करना शुरू कर दिया था मैंने। तो after that I did the first attempt I gave, the score wasn't that good enough, so I attempted for the second one. So in that I scored pretty good enough, so I felt like I could just join and carry my master's in VLSI. तो मणिपाल में एडमिशन कैसे होता है बीटेक में, लाइक अलग से टेस्ट होता है उनका या जेई मेंस Well, के? I took the admission based on my JEE, back in the days, and also I had got some opportunities in my state colleges also, but that time I didn't had the idea state engineering college lena hai ki private mein jana hai. So after COVID also placement scenarios were not that good enough, so but we had to survive and then I chose this career here. ओके, सो बीटेक और एमटेक के बीच में गैप था या लाइक विदाउट गैप? Yeah, there is a gap of 1 year. ओके, बन गया. ओके, सो हाउ यू गॉट टू नो अबाउट वीएलएसआई फॉर ऑल, लाइक इट वाज यूट्यूब चैनल लाइक व्हाट? You see, there were many things, even in VLSI industry, students are not aware, which, वो लोग को फ्रंट एंड में रहना है, बैक एंड में रहना है, डिजाइनिंग में रहना है, वेरिफिकेशन में रहना है, तो आइडिया नहीं रहता है। तो इन द सेम वे कॉलेज में थे, तो अभी करने में तो सब चीज का थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे अभी, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया कहाँ पे कैसे शुरू करने वो पता नहीं लग रहा था। तो समहाउ आई स्टार्टेड सीइंग कोई कोर्सेस है कि नहीं, बिकॉज देर वर सम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बाहर से कोर्स करके आके रखे थे एंड दे हैड गुड नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री रेलेवेंट थिंग्स एंड टूल्स। सो आफ्टर आई टुक योर कोर्स समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, तो बाई दैट टाइम आई ऑल्सो हैड गॉट द अपॉर्चुनिटी इन इंटेल। सो आई वॉज अलाइनिंग माई सेल्फ, अगर अच्छा होता है, बिकॉज इन इंटेल यू नो डोंट नो विच डोमेन यूल बी गेटिंग अंटिल एंड एक्सेक्टली. अनलेस यू जॉइन हियर। तो आफ्टर ज्वाइनिंग ईयर ऑल्सो आई केम टू नो दैट आई वॉज इन द वैलिडेशन टीम। तो उसके बाद एंड माई कोर्सेज ऑल्सो स्टार्टेड अलाइनिंग एंड राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग योर सिस्टम वेरी लॉग एंड असर्शंस फ्रॉम देयर राइट नाउ। आरटीएल एंड वेरिफिकेशन कोर्स, या राइट? या 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 सो हाउ यू आर मैनेजिंग द कोर्स विद योर लाइक इंटर्नशिप आल्सो एंड कॉलेज करिकुलम? हाउ मेनी आवर्स डेली ऑन द डेली बेसिस यू आर गिविंग? लाइक एज ऑफ नाउ वी आर बीइंग टोल्ड वी शुड रैप अप विथ सिस्टम वेरी लॉग एंड यूवीएम एज सून एज पॉसिबल। सो बेसिकली इन दिस फेज ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग एंड समवे अराउंड इट एट दिस टाइम ऑल्सो वी आर लर्निंग द सम ऑफ द बेसिक थिंग्स हाउ द टूल्स आर वर्किंग हियर एंड दैट। सो मैक्सिमम टाइम राइट नाउ वी आर गेटिंग टू स्टडी। सो इन कैंपस ऑल्सो आई स्टडी वॉच वीडियोज इन माई रूम एंड देन आई गो एंड प्रैक्टिस ओवर देयर। सो दैट्स हाउ आई एम गिविंग माई एंटायर टाइम इन दिस थिंग ऑल्सो। टॉकिंग अबाउट एनआईटी दुर्गापुर, सो हाउ इज द प्लेसमेंट एट एनआईटी दुर्गापुर? सो The placements is quite good enough, but this time, as you can see, the internship opportunities are quite less compared to the last couple of years. Earlier, almost everybody used to get, but right now in my batch, currently 15 out of 23 have got their internship opportunities, and still companies are visiting. So we are trying more. Also, I'm the training and placement coordinator there, and also we are still trying to grab some of the 6 months internship opportunities as well as trying some companies to come for full-time drives. So
Intel was your first company, or like how many companies interview have you had? No, this was my first company. Great, great, great. Yeah. So you can just tell me the like how many rounds were there, important topics. So give me like brief idea about the selection process and the important topics for the interview. The first and foremost is the digital electronics for sure. Like everybody should have a very good understanding of the digital electronics and also the like your digital VLSI, like DVD we used to say in our college, like digital VLSI design. So basically understanding about MOSFET, you know, all the characteristics, the effects or channel effects and all those basic things that comes up with MOSFET. Also some like we also had our subject like electronic devices and components. So from there also some basic things are required. And along with that, for analog profile, I would say like some knowledge from network theory, you know, that's a must, like RC, RLC kind of thing. And apart from that, some basics of your static timing analysis, like setup time, hold time, and all those things. Also Verilog. But Verilog, I would say like in internship phase, like it's not that, you know, tough. So you can just cover it up with basics, you know, like utna difficult nahi hota, basics like your latch and all latch flip-flop difference ports, वही सब inter-assignment delay kind of thing, and your swapping. तो यही सब सवाल पूछे गए थे. And yeah, they will ask about your projects also. So that's it. What are the projects you have done? Like digital side का, analog side का, या mix का? थोड़ा मिक्स था मेरा. तो लाइक आई हैड लाइक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर दैट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी डज. तो दैट आई हैड एंड ऑल्सो योर वन इन एसपीआई प्रोटोकॉल आई हैड अलोंग विथ टेस्ट बेंच एंड ऑल्सो आई हैड वन मल्टीप्लायर प्रोजेक्ट बागुली मल्टीप्लायर आई हैड दैट वन. एंड इन एनालॉग साइड आई वुड से लाइक आई हैड लाइक योर लेआउट ऑफ सीमॉस एंड ऑल्सो लेआउट ऑफ 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर यूजिंग नैंड गेट्स एंड ऑल्सो लाइक योर डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग मक्सेस. या मक्सेस से ट्रांसमिशन गेट से, यू नो, मक्सेस से वो करके फिर या एंटायर लेआउट आई हैड दैट. So total like two interview rounds were there, two or या three. लाइक आई हैड टू लाइक वन इन द एनालॉग एंड द अदर वन इन डिजिटल. So how the percentage matter, जब कंपनी आती है तो परसेंटेज कितना मैटर करता है, और कौन कौन से ईयरली मैटर करता है, लाइक 10 12 का मैटर करता है, या खाली बीटेक का, खाली एमटेक का, या पूरा ओवरऑल देखते हैं? इट्स बेटर यू हैव सम गुड परसेंटेज इन योर 10 or 12. लाइक आई हैड नॉट दैट गुड, यू नो, इन माई 12, बिकॉज लाइक इन माई 12 आई वॉज डूइंग माई, यू नो, इन प्रिपरेशन फॉर एनडीए. सो वी इन जस्ट 1 month आई हैड प्रिपेयर्ड एंड देन आई हैड बेरली स्कोर 66%. तो उसके बाद आई डिड क्वाइट गुड इन बीटेक. आई हैड समवेयर अराउंड 8.3 CGPA एंड ऑल्सो इन माई मास्टर्स, लाइक इन माई फर्स्ट सेमेस्टर आई हैड 8.4 CGPA. तो या दैट सीजीपीए क्राइटेरिया मैटर स्पेशली व्हेन यू आर इन मास्टर्स. सो इट्स बेटर यू ऑलवेज बी ऑन द सेफ साइड एंड ट्राई स्कोरिंग अबव 8. सो दैट विल मेक यू एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज. तो 10th और 12th का सीजीपी देखते हैं या नहीं देखते हैं आप? अब वो कंपनी टू कंपनी डिपेंडेंट रहता है. ओके तो अभी कंपनीज के क्राइटेरिया रहती हैं. तो लाइक ओके देर देर माइट बी, बट इंटेल आई डोंट थिंक लाइक देर वेर एनी. ओके ओके अदरवाइज एटलीस्ट 7 तो होना ही चाहिए मिनिमम. 7 तो नहीं बट 8 एटलीस्ट रखो ताकि बाकी सब में भी एलिजिबल हो जाओ. हाँ, किसी किसी का 8 भी हो हाँ जाता है कभी कभी. हाँ ओके. So how's the like fee structure at BLSF for all? So it is affordable. So yeah, how it's is the fee structure? affordable, you know. The amount of knowledge that I'm getting is like I'm really like, you know, thankful that such faculties are there and they are teaching in such great depths, you know. तो अगर कोई एक वीडियो अगर आज क्लियर नहीं हो रही तो यू शुड कीप कंटिन्यूइंग, यू शुड नॉट लीव, बिकॉज आने वाली कुछ क्लासेस बाद वो अल्टीमेट क्लियर हो ही जाती है. तो Exactly. यार, Otherwise, तो doubt दैट sessions are also there. हाँ यार So right now, a lot of students are struggling right now, right in the market, या या है ना? तो क्या आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए उनको, लाइक क्या आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, गेट के थ्रू साइड जाना चाहिए, या फिर क्या आपको लगता है कि रिसेशन में क्या कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? अभी गेट तो मैं बोलूंगा कि मास्टर्स डिग्री समवे और अराउंड तो काम में आएगी ही आएगी. सो इट्स बेटर लाइक यू शुड एटलीस्ट गेट योर मास्टर्स, यू नो. एंड ऑल्सो देर आर सम अदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, लाइक प्राइवेट में भी अच्छी खासी आती हैं. जैसे साउथ में कुछ कुछ हो गए, जैसे मणिपाल, VIT, ये सब हो गई. तो ये सब में भी कंपनीज की कमी नहीं है. द मेन थिंग यू नीड इज लाइक यू शुड बी, यू नो,
on par with industry level, at least with the basics in the initial time. And in the internship, you can like learn many of the skills here. So you are ready even if you get converted or not. So that's what I think. So in the long term, obviously MTech is like good if you are like going for the long term, right? MTech Yeah, useful है। अगर आप confused हो तो training कर सकते हो। हाँ 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 क्योंकि अगर आपने MTech भी कर लिया तो like this is wastage of time if you are not enjoying your work, right? या So any final advice to your juniors who are struggling maybe in the college like BTech or MTech? So what is the suggestion you have? लाइक आई वुड से दैट पहले तो क्लियर हो जाओ कि कौन से फ्रंट एंड में रहना है, बैक एंड कौन सा प्रोफाइल चूज करना है, उसी हिसाब से कोई कोर्स ले लो एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट. एंड आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ. कि लाइक धीरे धीरे टाइम तो लगता है, इंडस्ट्री है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो है, मैं एग्री करूंगा ये तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्ट्रगल भी होगा, बट यू नो लाइक यू कीप ऑन ट्राइंग एंड देन थिंग्स विल फाइनली वर्क आउट फॉर श्योर. दैट्स इट. तो थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच या फॉर योर टाइम, या ऑल थैंक यू द बेस्ट राजू. फॉर योर लाइक फुल टाइम ऑफर आल्सो, थैंक थैंक या थैंक ऑल द बेस्ट। थैंक यू.